नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बॉलीवुड और साउथ के कुछ नई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इन सभी फिल्मों ने अब तक कितने करोड़ का कारोबार कर लिया और कौन से हिट हुई और कौन से फ्लॉप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शानिया मल्होत्रा और आयुष्मान खुराना की फिल्म बधाई हो के 6 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 6 दिन हो गए और फिल्म की जो कमाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के साथ नमस्ते इंग्लैंड रिलीज हुई थी जो कि बुरी तरह फ्लॉप होकर थिएटर से बाहर भी हो चुकी, लेकिन दोस्तों ये फिल्म आए दिन अच्छा कलेक्शन करती जा रही है। आपको बता दें इस फिल्म ने अपने शुरुआती 5 दिनों में ही लगभग 51 करोड़ का कारोबार कर लिया था। उसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो 6 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो रहा लगभग 5 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का अब तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़ हो गया है। आपको बता दें फिल्म 6 दिन में ही सुपरहिट डिक्लेयर कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं विशाल और कीर्ति सुरेश की फिल्म सांता कुजी 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 6 दिन पूरे हो गए हैं। फिल्म ने अपने 4 दिनों में जहां 55 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, वही 5वें दिन इस फिल्म ने कमाया लगभग 4 करोड़ रुपये और 6ठे दिन की बात करें तो 6ठे दिन इस फिल्म का कलेक्शन रहा लगभग 3 करोड़ रुपये। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल 6 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका है 62 करोड़ रुपये। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं द विलन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों द विलन एक कन्नाडा मूवी है जिसमें है डॉक्टर शिवराज कुमार सर और उनके साथ है खिच्चा सुदीप सर। दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 6 दिन पूरे हो गए। फिल्म ने अपने जहां 4 दिनों में लगभग 54 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, वहीं फिल्म ने अपने 5वें दिन कमाया लगभग 6 करोड़ रुपए और 6ठे दिन की बात करें तो 6ठे दिन इस फिल्म का कलेक्शन रहा लगभग 4 करोड़ रुपये। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो अब तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका है 64 करोड़ रुपये। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तेलुगु मूवी हेली गुरु प्रमा कोसम के बारे में। दोस्तों ये फिल्म तेलुगु है, इसमें है राम पोतेनी। इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर पूरे 6 दिन हो गए हैं। फिल्म ने जहां अपने 5 दिनों में लगभग 37 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, वही 6ठे दिन इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा लगभग 3 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो हो चुका है 40 करोड़ रुपए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तमिल मूवी वेदा चेन्नई की। दोस्तों इस फिल्म में है धनुष, ये फिल्म को भी 6 दिन पूरे हो चुके हैं। फिल्म ने अपने जहां शुरुआती 5 दिनों में लगभग 62 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, वहीं 6ठे दिन इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो रहा लगभग 4 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो 6 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका है 66 करोड़ रुपए। तो चलिए दोस्तों अब अंत में बात करते हैं जूनियर NTR सर की फिल्म अरविंद सामेथा वीरा राघवा के। तो दोस्तों इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर 13 दिन पूरे हो गए हैं। फिल्म ने लगभग 250 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन तो अपने शुरुआती दिनों में ही कर लिया था, यानी 11 से 12वें दिन ही, लेकिन दोस्तों इस फिल्म का जो 13वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो भी बढ़िया आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं इस फिल्म ने 12 दिन में कमाए थे लगभग 253 करोड़ रुपए, वहीं 13वें दिन की बात करें तो 13वें दिन इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है लगभग 7 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो अब तक का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो हो चुका है 260 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थे साउथ की 5 फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और एक थी बॉलीवुड की फिल्म। दोस्तों ये जितने भी साउथ फिल्मों के मैंने आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताए हैं वो भले सांता कुजी हो, द विलन हो, हेलो गुरु, प्रेमा कोसम या वेदा चेन्नई या फिर अरविंद सामेथा, दोस्तों ये सिर्फ तेलुगु और तमिल में रिलीज हुई है और कन्नड़ में जो जो जिस एरिया की फिल्में हैं उसी भाषा में रिलीज हुई है। इसमें से कोई भी फिल्म अभी हिंदी डब में नहीं आई है। जब भी ये फिल्म हिंदी डब में आएगी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इनकी हिंदी डबिंग की न्यूज़ भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साउथ और बॉलीवुड की न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से किस फिल्म का आपको हिंदी डब में इंतज़ार है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।